बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। आरपी जी, सबसे पहले मोहन भागवत के बयान पर, जो मोहन भागवत जो है उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है देश को अपना ही समझे, इधर सुरक्षित है वो, लेकिन ओवैसी उसको उल्टा बयान को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान डरा करके राजनीति नहीं कर सकते और मुसलमानों को यहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। पहली बात, ओवैसी सबको जानकारी दीजिए, संघ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, संघ राजनीति नहीं करता, संघ सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करता है। दूसरी बात, मुसलमानों को जो डराते हुए हैं वोट के चलते हुए, हर बार मुसलमान को डुगडुगी बजाते हैं और डराते हैं कि आपको देश में दिक्कत है, देश में आपको दिक्कत है, ऐसी बात हर बार कहते हैं। सच है कि संघ ने कभी भी हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन कभी कोई बात करी नहीं, किसी धर्म के बारे में बात नहीं करते, किसी पंथ के बारे में बात नहीं करते। राष्ट्रवाद की बात संघ की शाखा पर होती है। मैं अपेक्षा करूँगा वैसी साहब कभी एक हफ्ता भर के लिए किसी अपने नज़दीकी संघ की शाखा पर जाएँ तो उन्हें समझ लग जाएगा कि राष्ट्रवाद की बात होती है। परंतु ओवैसी साहब को राजनीति करनी है, उनको मुसलमानों को डराना है, मुसलमानों की राजनीति करनी है, इसलिए वो बार बार अलग अलग जो कोई अच्छा बयान भी दे, कोई अच्छी चिंता भी करे, समाज की चिंता भी करे, उसको भी वो अपने ढंग से घुमाएंगे, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। पिछले कुछ वक्त से देखा गया मोहन भागवत जो है वो बहुत कई मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर भी एक सामंजस्य जो एक दोनों धर्मों के बीच है उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बयान भी दे रहे हैं कि एक राष्ट्रवाद का बयान दे रहे हैं। क्या लगता है कि इससे ओवैसी या थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं जो एक धर्म को लेकर के वो हमेशा एलिगेशन लगाते हैं RSS पे या BJP पे, कहीं वो कमतर ना साबित हो? देखिए, मोहन भागवत जी ये मानते हैं कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं, वो उतने राष्ट्रवादी हैं जितने बाकी सब लोग हैं, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर वो ऐसा मानते हैं तो ओवैसी साहब को क्या दिक्कत हो रही है, और वो अपनी बात को एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं तो उसमें ओवैसी साहब को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मोहन भागवत जी मुसलमान समाज को ये कह रहे हैं, भाई आप भी उतना हिस्सा हो, आपको आपका भी इस देश पर उतना ही हक है जितना किसी और का है। परंतु मैंने कहा कि ओवैसी साहब को राजनीति करनी है, उनको देश नहीं जोड़ना, उनको वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करनी है, और मोहन भागवत जी को राजनीति नहीं करनी, उनको देश की समरसता की चिंता है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी एक नए अंदाज में नजर आए हैं, पग बांधे हुए नजर आ रहे हैं। पगड़ी बांधने से पाप नहीं धुलने वाले, 30,000 से अधिक सिखों की कत्ल के दोषी उसके पिता हैं, उनकी दादी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। जिस दिन वो जगदीश टैटर और कमलनाथ के खिलाफ खड़े होकर बयान देंगे और कहेंगे कि इनको भी सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट में जाकर कहेंगे हाँ कि ये लोग दोषी थे, वो हरमंदिर साहब गए थे राहुल गांधी, हरमंदिर के तो चार द्वार हैं, हर किसी के लिए खुले हुए हैं, गुरुद्वारे का भी द्वार हर किसी के लिए खुला हुआ है, परंतु सामने ही अकाल तख्त साहब है जिनको उनकी दादी ने तोड़ा था और हरमंदिर साहब पर हमला किया था, और पंजाब में कोई 25,000 नौजवान गायब हो गए, दिल्ली के अंदर 5,000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हो गया, वो उसके लिए माफ़ी मांगते ना, कहते कि मैं आया हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी दादी से, मेरे पिता से, मेरे चाचा से, मेरे कांग्रेस पार्टी से गलती हुई, हमें माफ़ी दीजिए, हम आगे रास्ता ठीक करेंगे। परंतु ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि उनके जो सलाहकार वो तो कहते हुआ तो हुआ, उनके नेता तो लगातार कहते हैं हुआ तो हुआ, सैम प्रदोधा ने कहा था कि हुआ तो हुआ, और जगदीश टैटर आज भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अभी हाल में जो भारत तोड़ो यात्रा सॉरी जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें टैटलर को बुलाया गया था और कमलनाथ उस भारत तोड़ो यात्रा का हिस्से थे। अगर कमलनाथ और टैटलर भारत तोड़ो यात्रा के हिस्से हैं तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो सिखों को जीत पाएंगे? राजनीतिक कारण से कुछ भी हो, कभी सिख वोट दें ना दें, परंतु मानसिक तौर पर सिखों ने कांग्रेस को छोड़ रखा है और कांग्रेस का साथ कभी नहीं देंगे, और जब जब कांग्रेस इस प्रकार की हरकत करती है वो सिखों के जख्मों पर नमक लगाती है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ कोमल शर्मा।